चार स्टेट्स के चुनाव हैं और कुछ दिन पहले खारगे जी और मेरी बात चल रही थी चुनाव के बारे में, तो हमने मिलकर डिसीजन लिया कि हम दोनों को सबसे पहले जम्मू कश्मीर जाना चाहिए। चुनाव के कारण, सिर्फ चुनाव के कारण नहीं, मगर क्योंकि हम जम्मू कश्मीर के लोगों को और देश के लोगों को एक मैसेज देना चाहते हैं। देखिए, आजादी के बाद पहली बार किसी स्टेट को यूनियन टेरिटरी बनाया गया है। मतलब हिंदुस्तान में स्टेट्स को डिवाइड कर दिया गया, उत्तराखंड बना, झारखंड बना, तेलंगाना बना, यूनियन टेरिटरीज को स्टेट में बदल दिया, मगर कभी भी स्टेट से यूनियन टेरिटरी नहीं बनी। मतलब हिंदुस्तान की हिस्ट्री में रिप्रेजेंटेशन का बढ़ावा ही हुआ है, ज्यादा रिप्रेजेंटेशन दिया गया है। झारखंड के लोगों को रिप्रेजेंटेशन दिया गया, तेलंगाना के लोगों को रिप्रेजेंटेशन दिया गया, मगर एक ही उदाहरण है जहां लोगों से रिप्रेजेंटेशन छीना गया, वो है जम्मू कश्मीर। हिस्ट्री में यह पहली बार हुआ है और इसका नतीजा आपने देखा है। एडमिनिस्ट्रेटर कहते हैं, मगर सचमुच में उनको महाराजा कहना चाहिए, एम्परर कहना चाहिए, किंग कहना चाहिए। और पूरा का पूरा जो फायदा हो रहा है वो जम्मू के लोगों का नहीं हो रहा है, कश्मीर के लोगों का नहीं हो रहा है, बाहर के लोगों का हो रहा है। चाहे छोटे, मैं स्टेट का नाम नहीं लूंगा, चाहे छोटे कॉन्ट्रैक्ट्स हों, बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स हों, सरकार में पोजीशंस हों, आप लोगों को कोई फायदा नहीं हो रहा है, आप लोगों को सिर्फ नुकसान हो रहा है। इसलिए हम चाहते थे कि चुनाव से पहले आपका स्टेटहुड आपको वापस दिया जाए। अब ठीक है, इन्होंने चुनाव पहले कर दिया, मगर हम अभी भी चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी आपके स्टेट की लगाम आपके हाथ में वापस दी जाए। मतलब आपको स्टेटहुड एक बार फिर से मिले। आपके बीच में, मेरे बीच में आप रिश्ता जानते हो, ये राजनीतिक रिश्ता नहीं है, जैसे मैंने कहा मोहब्बत का रिश्ता है, पारिवारिक रिश्ता है। मेरा परिवार आपके स्टेट से ही आता है, तो आपको ये सोच के चलना है कि दिल्ली में आपका सिपाही मैं हूं, जो भी आप चाहेंगे मेरे दरवाजे आपके लिए खुले हैं, आपको सिर्फ ऑर्डर देना है और मैं यहां हाजिर हो जाऊंगा। देखिए, शायद रमन भल्ला जी ने कहा, ठहर जाइए मैडम, खत्म करने दीजिए, अभी नहीं मैडम, बाद में कर लेना, डिस्टर्ब मत कीजिए। रमन भल्ला जी ने कहा, उन्होंने कहा कि देखिए मैं कांग्रेस पार्टी का सिपाही हूं। रमन भल्ला जी, आप सिपाही नहीं हैं, आप कांग्रेस पार्टी के जनरल हैं, और आप जैसे अलग अलग जनरल खड़े हुए हैं यहां पे, सिपाही तो ये है कार्यकर्ता। और मैं चाहता हूं कि जनरल की भी रिस्पेक्ट हो और सिपाही की भी रिस्पेक्ट हो।
गठबंधन हो रहा है, मैं चाहता हूं कि जो भी गठबंधन हो उससे हमारे कार्यकर्ताओं को, सिपाहियों को और हमारे कमांडर्स को रिस्पेक्ट मिले, इज्जत मिले। आप लोग हमारे लड़ते हो और यह विचारधारा की लड़ाई है, कांग्रेस पार्टी की विचारधारा और आरएसएस की विचारधारा के बीच में लड़ाई है। आपने देखा होगा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री यूं भाषण देते थे, देखा आपने? मैं आपको बता रहा हूं, आप गलत फहमी में मत हो। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता ने, मैं बता रहा हूं आपको, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता ने हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री से कॉन्स्टिट्यूशन पर ऐसे ये करवा दिया। ये आपकी देन है, आपका काम है। और मैं तो पार्लियामेंट में बैठता हूं, मुझे तो बिल्कुल सामने दिखते हैं। मैं आपको बता रहा हूं कि आपने हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री की जो कॉन्फिडेंस थी उसको खत्म कर दिया, उड़ा दिया। मतलब कांग्रेस के कार्यकर्ता ने उनको इतना साइकोलॉजिकल टेंशन दिया कि उनकी साइकोलॉजी कोलैप्स कर गई। और वो जो प्रधानमंत्री थे, सच्चाई है, पूरा देश देख पा रहा है, जो चुनाव से पहले प्रधानमंत्री थे जिनका डायरेक्ट कनेक्शन जिनका ऊपर था, वो प्रधानमंत्री नहीं रहे। और ये आप लोगों का काम है। क्यों? क्योंकि कठिनाई के समय, जब कठिनाई थी, जब आपकी विचारधारा पर आक्रमण हो रहा था, तो आप लोग कांग्रेस पार्टी का झंडा लिए घूम रहे थे। यह सच्चाई है। बहुत सारे लोग झंडा फेंक कर भाग गए, आप नहीं गए, आप खड़े रहे, आपने लाठी खाई, गोली खाई, गाली खाई, मगर आप एक इंच पीछे नहीं हटे। इसलिए मैं आपको कांग्रेस पार्टी के बब्बर शेर कहता हूं। और मैं चाहता हूं कि ठीक है, चुनाव में टिकट बांटे जाते हैं, बड़े बड़े नेताओं को टिकट बांटे जाते हैं, मगर मैं ये भी चाहता हूं कि हमारे कार्यकर्ताओं को भी एमएलए बनने का मौका मिले। तो कर्रा साहब, वेणुगोपाल जी, मीर साहब, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मैं उदाहरण देखना चाहता हूं जहां जमीनी कार्यकर्ताओं को एमएलए का टिकट दिया गया और वो विधानसभा तक पहुंचा। पूरे देश में बीजेपी के विचारधारा ने बेरोजगारी फैला दी है, आपको फर्स्ट हैंड दिख रहा है। जम्मू में भी बेरोजगारी फैलती जा रही है, महंगाई बढ़ती जा रही है। पूरे देश में हम इनसे लड़ रहे हैं। जहां भी आप नोटिस कीजिए, चुनाव के बाद जहां भी ये कोई बदमाशी करने की कोशिश करते हैं, हम उनको वहां सामने खड़े मिलते हैं। ये लैटरल एंट्री का किया ना इन्होंने, अदानी जी की मदद करने की कोशिश की ना, वहां पे हम खड़े हो गए, उसको कैंसिल कर दिया। तो हम इनको छोड़ने वाले नहीं हैं। अगर इन्होंने थोड़ी सी भी बदमाशी की, कांग्रेस पार्टी के सारे कार्यकर्ता इनके सामने खड़े दिखाई देंगे। और जो बिल, गलत बिल ये पास करने की कोशिश करेंगे, उस बिल को हम रद्द करवा देंगे। हम ऑपोजिशन में बैठे हैं, मगर सरकार को कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता चलाएगा। आप सबका
अच्छा देखिए, एक और लड़ाई है। जम्मू का कल्चर है, जम्मू की हिस्ट्री है। यहाँ माता वैष्णो देवी की ये जमीन है। आपका जीने का तरीका है, आपका सोचने का तरीका है, वो अलग है। जम्मू का अलग है, केरल का अलग है, कर्नाटक का अलग है, उत्तर प्रदेश का अलग है। हम चाहते हैं कि हर जगह का कल्चर, उनके उनकी हिस्ट्री, उनकी भाषा, इन चीजों की रक्षा हो। हम चाहते हैं कि आपकी आवाज, आपकी आवाज आपकी सरकार में हो, और जो आप चाहते हैं जम्मू कश्मीर के लिए, जो आप चाहते हैं, जो आपके दिल में है, वो हो। अब बीजेपी की दूसरी सोच है, वो पूरे देश को नागपुर से चलाना चाहते हैं। वो सोचते हैं कि रिमोट कंट्रोल से पूरा देश चले, चाहे जम्मू कश्मीर हो, चाहे महाराष्ट्र हो। भैया ये जो आप शिकायत दे रहे हो ना कि बाहर के लोग पूरा का पूरा फायदा उठा रहे हैं, आप महाराष्ट्र जाइए, वहां पूछिए, वो भी आपको यही कहेंगे कि भैया महाराष्ट्र में भी बाहर के लोग फायदा उठा रहे हैं। तो ये सिर्फ आपके यहां नहीं हो रहा है, ये इनकी सोच है, सेंट्रलाइज करने की सोच है। हमारी सोच डिसेंट्रलाइज करने की है। हम चाहते हैं कि पंचायती राज हो, मनरेगा हो, पंचायतों में आपके डिसीजन लिए जाएं, विधानसभा में आपके डिसीजन लिए जाएं, लोकसभा में आपकी आवाज पहुंचे। कभी कभी हमारी पार्टी में प्रॉब्लम हो जाती है, मैं खुल के बोल रहा हूं, कभी कभी कॉन्ट्रडिक्शन हो जाता है। कोई हमारा आदमी कहता है नहीं भाई मैं तो महाराष्ट्र की बात करूंगा, और पार्टी में टेंशन होती है, हम कहते हैं नहीं तुम बोलो, तुम्हें करना है, तुम खुल के बोलो, तुम्हें अपना मुद्दा उठाना है, हम मैनेज करेंगे। तो हम किसी की आवाज दबाने की कोशिश नहीं करते हैं। और मीडिया में हमारा नुकसान भी होता है, कभी कभी लोग कहते हैं देखिए कांग्रेस पार्टी में अलग अलग विचारधाराएं हैं। अलग अलग विचारधारा हैं, क्योंकि हम पूरे देश को चलाते हैं और हम चाहते हैं कि देश के लोगों की आवाज, अलग अलग आवाज, अलग अलग भाषाएं, अलग अलग जात, ये सब सुनाई दे। तो मैं ये आपके आपसे कहना चाहता हूं, हम स्टेटहुड चाहते हैं, हम चाहते हैं कि जो आपके दिल में है, जिस प्रकार से आप अपने स्टेट को चलाना चाहते हो, उसी प्रकार से आप चलाओ। इसलिए हम ये मैसेज देने आए, दिल से आपका धन्यवाद करना चाहता हूं। आप कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, शायद आप भी नहीं समझ सकते कि आपने किया क्या। मैं यहां से देख रहा हूं और मैं कह रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता ने हिंदुस्तान के लोकतंत्र को बचाया है, डेमोक्रेसी को बचाया है। अभी एक दो और कदम लेने हैं, वो आप ले लोगे, मगर आपने इस चुनाव में कॉन्स्टिट्यूशन को और हिंदुस्तान के लोकतंत्र को बचाया है, इसके लिए मैं आप सबको दिल से बधाई देना चाहता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। नमस्कार।